अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दही जमाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूँगी, जिसमें आपका दही बहुत अच्छा बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद मैं इसे डायरेक्टली उसी बर्तन में पोर कर रही हूँ जिसमें मैंने दही बनाना है। मैं इसमें 1 kg दूध या 1 लीटर दूध इसमें ऐड कर रही हूँ और इसमें पोर करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे इतना ठंडा करेंगे कि नीम गर्म से थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए। जैसा कि रमजान का महीना है तो उसमें आप रात के वक्त इसको जाग लगाएं, ओवरनाइट बहुत जबरदस्त दही आपका तैयार हो जाएगा। तो बस देखिए, मैंने इसे नीम गर्म से थोड़ा ज्यादा गर्म रखा है और 2 tablespoons 1 liter दूध के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही के। दही को भी आप चख लीजिएगा कि मीठा दही लीजिएगा, उससे आपका दही बहुत अच्छा जमेगा। तो बस ये देखिए, डिफरेंट जगहों पे मैं इस तरह से फैला दूंगी और इसको डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट रख दें या कम से कम 5 घंटे इसे मस्त चाहिए हैं। 5 घंटे गुजर चुके हैं और देखते हैं कि दही हमारा कैसा रेडी हो चुका है। देखिए इसकी फाइनल लुक, कितना जबरदस्त दही रेडी हुआ है, बहुत थिक और बहुत क्रीमी। और आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी सी लेयर इस पे आई है मलाई की। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम घर के दूध से बना रहे हैं, तो इसमें कोई मिलावट भी नहीं होगी। और आइए मैं आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कितना थिक और कितना क्रीमी दही हमारा रेडी हुआ है। घर का बना हुआ दही बहुत इकोनॉमिकल भी रहता है, हाइजीनिक भी होता है और आपको पता है कि इसमें कैल्शियम कितनी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट दही अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और मैं आपको इसकी बलाई की लेयर भी चेक करवाती हूँ, कितनी थिक बलाई इस पर आई है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली अच्छी तरह से बन चुका है। दही का इस्तेमाल आप बहुत सी चीज़ों में कर सकते हैं, जैसा कि लस्सी में ऐड कर सकते हैं, दही फुल्कियों में, दही बड़ों में और इसके अलावा मिंट सॉस और रायता और बहुत सी रेसिपीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बस आप लोग भी इसी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।